Assalamu alaikum, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 17, जिसमें हम देख रहे थे short form में हमारा present के लिए जो auxiliary verbs होती हैं उनका use कर चुके थे, उस पर किस तरीके से abbreviate किया जाता है। इसमें हम past को देख रहे थे, past में हमारा singular के लिए use हो चुका था, past में हम देखते हैं आगे plural के लिए। जैसे पहला है we were not, इसको abbreviate करना होगा, ये हो जाएगा we were, यहाँ पर ये इसकी कंबाइन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका you were not, सेम यही प्रोसेस होगा, देख सकते हैं सारे उनका ही वर्ड है, यहाँ पर भी आपको यू लिखना है और ये हो जाएगा वेयर। ठीक है, थर्ड को देखते हैं, इसमें आपका है दे वेयर नॉट, ये आपका हो जाएगा वही है चीज दे वेयर। फिफ्थ है आपका दोस्त इसमें भी वही चीज होगी दोस्त, ये था आपका पास्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स और वर्ड थी, उसको हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरीके से एब्रिविएट किया जाता है या किस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो सिंपली ये देखते हैं कि आपका प्रोनाउन था, प्रोनाउन चेंज हो रहा है लेकिन आपकी जो ऑक्सिलरी है वो सब में सेम है और साथ में नॉट लगा हुआ, सेम मेथड से उनका यूज किया गया है। इसमें और यूज करेंगे आप हैज नॉट, हैज नॉट तैयार हो जाएगा Hasn't, इसी तरीके से haven't ये हो जाएगा haven't, इसी तरह से had not है ये आपका हो जाएगा had। तो सेम वही प्रोसेस है, ऑक्सिलरी वही होगी, एंड लिखेंगे कॉमा, सब में वो हटा दिया तो सेम समय वही प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं विल और शॉल, विल और शॉल देखते हैं किस तरीके से, जैसे पहला है आई शॉल, तो आई शॉल में आपको होगा आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, देखिए डबल एल का और इन सब चीज को आपको ओमिट कर देना, आई क्या हो जाएगा आई। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका आई, इसका भी सेम वही प्रोसेस होगा, ये भी क्या हो जाएगा आई। नेक्स्ट आपका है जैसे है वी शार, वी शार तो हो जाएगा क्योंकि सेम उसी प्रोसेस से वी एल। इसमें वी इसका भी सेम वही प्रोसेस होगा। नेक्स्ट आता है दे का भी सेम वही प्रोसेस, दे और एपोस्ट्रोफी डबल, तो देखते हैं जितने में वी आ रहा है या शार आ रहा है इसमें एपोस्ट्रोफी लगा क्या लगाया जा रहा है, डबल एल का यूज किया जा रहा है, एपोस्ट्रोफी लगाकर हमें डबल एल का यूज कर देना है। ठीक है, इसमें और आप देखते हैं जैसे आपका ही वी, इसका भी सेम प्रोसेस होगा ही एपोस्ट्रोफी डबल एल, शी विल इसका भी सेम प्रोसेस सी एपोस्ट्रोफी डबल एल, शी इट विल इसका भी सेम प्रोसेस इट एपोस्ट्रोफी डबल एल। तो अब देख रहे हैं इन सब में जिसमें भी विल और शार लगा होता है क्या करते हैं, लास्ट के डबल एल को लेते हैं, उससे पहले एपोस्ट्रोफी और उसके जितने भी वर्ड होते हैं बाकी सबको ओमिट कर देते हैं। तो ये था हमारा विल और शार के साथ
यूज जिसमें हम अब्रिविएट कर रहे हैं। अब आगे यूज देखने जा रहे हैं डू के साथ, डस के साथ और डिड के साथ। इन तीनों के साथ कैसे यूज करते हैं प्रोनाउन लगाकर। जैसे पहला है आई डू नॉट, तो आई डू नॉट जब हम ये करेंगे तो वही प्रोसेस होगा, आई सेपरेट होगा, डू होगा, एन होगा और एपोस्ट्रॉफी टी होगा। जैसे किसी पहले नॉट का उसमें हम देख रहे हैं, इसी तरह से वी डू नॉट होगा। इसका भी सेम वही प्रोसेस, वी डू। नेक्स्ट है आपका यू, डू नॉट। यू डू नॉट का क्या होगा यू, इसमें भी आपको हो जाएगा डोंट। सेम वही प्रोसेस से आपका अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्लूरल लेते हैं दे, दे के साथ में प्लूरल लगा कर दे डू नॉट, ये भी आपका हो जाएगा दे डोंट। तो सब में देखते हैं सेम प्रोसेस है, डू लग रहा है, ऑक्सिलरी आ रहा है, उसके बाद में सब में आ रहा है, ओ को ओमिट करके लगाया गया है, एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया और बाद में टी यूज कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे ही के साथ डू नहीं आता, ही के साथ क्या आता है डज होता है, ही डज नॉट होता है। ठीक है, ये सारे प्लूरल के साथ डू यूज होता है, लेकिन सिंगल के साथ क्या यूज होगा डज का यूज होगा, तो ये हो जाएगा ही डजंट। सेम प्रोसेस इसमें भी होगी, ऑक्सिलरी का यूज करेंगे या लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी और टी। इसके आगे शी डज नॉट, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा शी डजंट। इसमें एक और है इट, इट के साथ भी डज नॉट, इसका भी क्या होगा इट डजंट। इन सब में सेम प्रोसेस होगा, टू होगा तो डोंट हो जाएगा, डज होगा तो डजंट हो जाएगा। ठीक है, अब यूज देखते हैं, ये हो चुका हमारा टू और डज के साथ यूज हो चुका था। नेक्स्ट यूज हमारा है अब डिड के साथ, डिड के साथ कैसे होता है, जैसे पहले लेते हैं आई डिड नॉट, ये हो जाएगा आई डिड। सेम वही प्रोसेस, डिड लगाएंगे लगाएंगे एपोस्ट्रोफी टी। यू डिड नॉट, तीन में देख रहे हैं डिड नॉट आ रहा है, डिड नॉट आ रहा है, सेम वही प्रोसेस यू डिड। सेम इसी तरह से जैसे दे डिड नॉट है उसमें भी दे डिलीट होगा, ही डिड नॉट है उसमें भी ही डिलीट होगा, शी डिड नॉट है शी डिडिट, इट डिड नॉट इट डिडिट, सब में वही, क्योंकि सारे के साथ क्या होता है डिड का यूज होता है, कोई भी प्रोनाउन हो आई हो जो हो ही हो शी शी हो इट हो, सबके साथ क्या यूज होता है डिड का यूज। और इसमें आगे बचा हुआ है और सब मोर शॉर्ट फॉर्म, इसमें देख सकते हैं जैसे कैनॉट है तो कैनॉट जो है कांट में चेंज हो जा रहा है, कुड नॉट है कुडेंट हो जाएगा जैसा नॉट था उसी तरीके से हुआ है, विल नॉट ये थोड़ा सेपरेट आता है, विल नॉट आपका हो जाएगा वोंट, इसको सही विल नॉट आपका फोर्ट में चेंज हो जाएगा। इसमें एक और सेपरेट हुआ है शार शार नॉट भी आपका हो जाएगा शार, ये भी थोड़ा एक डिफरेंट वे में यूज हो रहा है, विल नॉट वोंट हो जाएगा शार नॉट शार हो जाएगा, बाकी सारा वही प्रोसेस है, नॉट लगा हुआ है नॉट में
ठीक है। इसमें और है आई है, आई है थोड़ा डिफरेंट है, आई एपोस्ट्रोफी वी लगाएंगे इसलिए वो यहाँ से ऑमिट कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारी है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास को खत्म कर रहे हैं। ठीक है।